राजधानी भोपाल से बड़ी खबर, जहां मध्य प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग हुई। प्रदेश में भोपाल में सबसे कम 43.8% वोटिंग हुई है। राज्य में सबसे ज्यादा आगर मालवा जिले में 88.88% मतदान हुआ है। ग्वालियर नगर निगम में सबसे कम 49% मतदान हुआ, तो वहीं पर बुरहानपुर, छिंदवाड़ा और नगर निगम में सबसे ज्यादा 68% मतदान हुआ है। प्रदेश में करीब 59% महिलाओं ने मतदान किया, तो वहीं अगर पुरुषों की बात की जाए तो प्रदेश भर में करीब 63% पुरुषों ने भी मतदान किया है। तो ये खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर कल मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के पहले चरण का मतदान हुआ और इसी के चलते वोटिंग प्रतिशत की बात की जाए तो राजधानी भोपाल में सबसे कम वोटिंग प्रतिशत रहा है। इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए सीधे रुख करते हमारे साथ में पंकज जी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, देखा जाए तो कल काफी मतदाताओं में उत्साह नजर आ रहा था, भोपाल की जनता की खास तौर पर बात की जाए तो, लेकिन वोटिंग प्रतिशत काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि भोपाल, राजधानी भोपाल में सबसे कम 43.8% ही वोटिंग हुआ है। ऐसे में क्या समझा जाए कि भोपाल की जनता जागरूक नहीं है मतदान को लेकर? जी बिल्कुल निरुपमा, ये हैरत की बात है कि पूरे प्रदेश में जो है, प्रदेश की राजधानी भोपाल में सबसे कम प्रतिशत का होना इस बात को लगाता है कि लोगों में उत्साह था, लेकिन वो पहुंचे नहीं बूथ तक वोटिंग करने के लिए। सिर्फ 43.8% वोटिंग होना इस बात को बताता है कि लोग उत्साहित नहीं है चुनाव को लेकर, लोकतंत्र के इस उत्सव को लेकर। निश्चित रूप से यही कहा जाना चाहिए, सबसे ज्यादा, लेकिन अगर हम देखें तो ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। गांव के लोग ज्यादा उत्साहित हैं और अपने उत्साह को वो व्यवहारिक रूप में परिवर्तित भी करते हैं, और इसी का परिणाम रहा कि आगर मालवा जिले में 88% मतदान हुआ, जो सर्वाधिक है पूरे प्रदेश में। ग्वालियर नगर निगम में सबसे कम 49% मतदान हुआ। बुरहानपुर, छिंदवाड़ा नगर निगम में सबसे ज्यादा 68% मतदान हुआ। और प्रदेश में करीब 59% महिलाओं ने मतदान किया और 63% पुरुषों ने मतदान किया। इंदौर में भी लगभग 61% के आसपास रहा। तो ये सच है कि मतदान का जो अंतर है वो काफी ज्यादा रहा। ये हो सकता है कि ये कारण रहा हो कि जिन जगहों पर सभाएं ज्यादा हों, लोग प्रत्याशियों ने ज्यादा उत्साह के साथ प्रचार प्रसार किया हो, वहां पर प्रचार प्रसार ज्यादा हो गया और शायद जो प्रत्याशी अगर लोगों तक नहीं पहुंच पाए हैं वहां पर कम हुआ है, ये हम कारण मान सकते हैं मतदान का। जी पंकज जी, अगर देखा जाए तो बारिश का मौसम है, तो क्या ऐसे में बारिश को भी कारण माना जा सकता है मतदान कम होने की वजह? देखिए, कल हम बात करें, अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में बारिश नहीं थी और इसके अलावा इंदौर में भी बारिश नहीं थी, बाकी जगहों पर भी बारिश नहीं थी। तो बारिश तो, बल्कि मौसम बहुत सुहावना था, बहुत ज्यादा तेज गर्मी भी नहीं थी, तो अच्छा मौसम था, लोग निकल सकते थे वोटिंग करने के लिए। प्रशासन शायद उन्हें या सरकार उन्हें उनसे उत्साहित नहीं कर प्रोत्साहित नहीं कर पाई, ये कारण मान सकते हैं। लेकिन ये बात सच है कि इस पर विचार किया जाना चाहिए कि इतना कम प्रतिशत भी मतदान होता है इन शहरों में, तो वहाँ के लोगों पर बातचीत करनी चाहिए, वहाँ के जो वोटर्स हैं उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए अगले चुनाव के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो राजधानी भोपाल से खबर, जहां मध्य प्रदेश में पहले चरण का चुनाव खत्म हो चुका है और वहीं पर बात की जाए वोटिंग प्रतिशत की तो सबसे कम भोपाल में और सबसे ज्यादा अगर वोटिंग प्रतिशत की बात की जाए तो आगर मालवा जिला आगे रहा है।